हरे कृष्ण गाइस, राधे राधे सभी को। तो गाइस आज है हम लोग का फ्लिप ट्यूटोरियल सीरीज का 22वां वीडियो। तो गाइस इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक गेनर बैक फ्लिप को किस तरीके से करा जा सकता है। आज का वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ चीट गेनर, जो कि ये भी एक बैक फ्लिप का ही वेरिएशन है। ये एक बैक फ्लिप का चीट वेरिएशन है। लेकिन अगर आप लोग को बैक फ्लिप नहीं भी आता है तो भी आप इस चीट गेनर को आराम से सीख सकते हो। और अगर आप लोग को बैक फ्लिप आता है तब तो इसको सीखने के लिए आपको बहुत ही और भी इजी पड़ेगा इसको सीखने के लिए स्टेप में। तो वीडियो में बने रहना पूरा एंड तक। और इसको सीखने में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी फ्लिप का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल लेके आ जाऊंगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। चीट गेनर को करने से पहले आप लोग ये पहले देख लो कि आपका चीट गेनर कौन सा साइड में पड़ता है। लाइक चीट गेनर किसी किसी का लेफ्ट साइड में पड़ता है या फिर किसी किसी का राइट साइड में पड़ता है। तो आप लोग ये अपने हिसाब से देखो कि एक एक लोगों का एक एक साइड होता है। तो आप लोग का जो साइड इजी है, आप लोग का जो साइड कंफर्टेबल है, उसी साइड से आप लोग प्रैक्टिस करना। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले गाइस चीट गेनर को करने के लिए आप लोगों को एक जे स्टेप करना पड़ेगा। जे स्टेप लाइक कुछ इस तरीके से होता है, जिस टेक से आप चीट गेनर को मारने वाले हो। देखो गाइस, जे स्टेप करने के लिए सबसे पहले जिस साइड आपका ट्विस्ट है, मतलब मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड का ट्विस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग का लेफ्ट साइड में ट्विस्ट है, सबसे पहले आप लोग को राइट लेग को आगे रखना है। और बेसिकली इसका उल्टा, अगर आपका राइट साइड में चीट गेनर पड़ता है तो आप लोग को आराम से लेफ्ट लेग को आगे रखना है, मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो है लेफ्ट साइड से पड़ता है, तो मैं यहाँ पर हर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड से करा रहा हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को राइट लेग को आगे रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एकदम सीधा मत रखना, लाइक इस तरीके से मत रखना, अपने राइट लेग को थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा करके रखना। उसके बाद ये वाला जो पैर है वो निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस लेग को आराम से ऐसे ही लेके चल जाते हैं, या फिर वो लोग कुछ 1-2 ऐसे ही लेके चल जाते हैं। तो इस तरीके से जे स्टेप नहीं होता है, आपको पहले जे स्टेप को प्रॉपर करना पड़ेगा। लाइक ये पैर आप लोग को आगे रखना है, ये जो पैर है स्टार्टिंग में ये सीधा आएगा कुछ इस तरीके से एंड घूम के कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये पैर को आप लोग को ध्यान देना है, 1 ये पैर आया यहाँ से एंड ये, ठीक है। एंड ये चीज थोड़ा जंप के साथ होगा, 1 हल्का सा जंप एंड इस तरीके से किक होता है। आप लोग सोचो कि आप लोग के सामने एक फुटबॉल है और आप लोग को ये पैर निकालना है, इस पैर से पूरा फुल फोर्स के साथ फुटबॉल को आप किक कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक 1-2 कुछ इस तरीके से आपका जे स्टेप करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग जे स्टेप में कुछ ऐसे कर लेते हैं जो कि गलत है। जे स्टेप प्रॉपर करो पहले चीट गेनर को, तभी ये चीट गेनर में पावर आएगा। बहुत सारे लोग जे स्टेप में ये भी गलती करते हैं कि वो लोग किक को कुछ इस तरीके से करता है, ठीक है, इस तरीके से लाइक 1-2 ऐसे किक करता है। तो आप लोग को ऐसे नहीं किक करना है, किक का भी यहाँ पर एक तरीका है। आप लोग देखो 1-2 पैर रखे और ये जो किक है, किक आपका इस साइड होगा सीधा इस तरीके से, ठीक है। मतलब आपका ये किक है घूम के आपका शोल्डर में आना चाहिए, लाइक 1-2 आपका शोल्डर पे किक होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये किक आप लोग देखो, जितना हो सके जे स्टेप को प्रॉपर करो, लाइक थोड़ा पावर के साथ 1-2, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस, अब आते हैं अपना स्टेप नंबर 2। यहाँ पर आप लोग को जे स्टेप के साथ बटरफ्लाई किक का प्रैक्टिस करना है। बटरफ्लाई किक किस तरीके से होता है, आप लोग को जे स्टेप लेना है एंड ये पैर को किक करके पीछे रखना होता है एंड इस पैर को कुछ इस तरीके से निकालना होता है, जो बोलते हैं बटरफ्लाई किक। आराम से जो ये वाला किक होता है ना, इस किक को प्रैक्टिस करो। नॉर्मल हल्का सा लेना है, 1 जे स्टेप, इसको किक करना है, किक करके पीछे रखना है, लाइक 1 ये वाला किक। इस किक का प्रैक्टिस करो, इस किक का अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पर से आप लोग का चीट गेनर का मोमेंटम आप लोग को धीरे धीरे समझ में आता रहेगा एंड दिमाग में एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से जे स्टेप लेने के बाद पावरफुली किक करके घूमना होता है, लाइक 1-2 ये वाला, ठीक है, इजी है। 1-2 जो किक करना आराम से पीछे रखना, ठीक है। तो 1-2-3 नॉर्मल चीज है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आते हैं अपना स्टेप नंबर 3। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग जे स्टेप ले रहे थे, आराम से जे स्टेप लेना है एंड इस पैर को किक करने के बाद आराम से आप लोगों को कार्टविल मारना है, लाइक इस पैर को किक किया, आराम से कार्टविल, ठीक है,
इस चीज का प्रैक्टिस करो। देखो वन टू किक काटिन, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को पता चलेगा गेनर को ऊपर से किस तरीके से मारा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में हाथ रख के कर रहे हैं, तो इस चीज का प्रैक्टिस करो आराम से। वन टू किक काटिन, ठीक है, आराम से। तो वन टू थ्री, अभी आप लोग इस चीज को ट्राई करो थोड़ा सा स्पीड में करने की। वन टू थ्री, थोड़ा सा हल्का इसमें जंप करने की कोशिश करो, लाइक गेट स्टेप करने के बाद पैर को किक करके नीचे वाला पैर से थोड़ा जंप करो एंड जंप करके हाथ रखने की कोशिश करो, ठीक है, आराम से। वन टू थ्री, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा इसमें जंप ऐड करो। वन टू थ्री, इस तरीके से धीरे धीरे आप लोग का स्टार्टिंग में बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आपका क्लीन होगा। वन टू थ्री, ठीक है। जब गाइस ये वाला स्टेप आपका दिमाग में सेट हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को स्टेप टू और स्टेप थ्री को यहाँ पर कंबाइन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, जे स्टेप लेने के बाद ट्राई करना है जो आप स्टेप टू में कर रहे थे बटरफ्लाई किक, उसी किक को करना है, लेकिन स्टेप थ्री में जिस तरीके से आप किक को पैर को ऊपर की तरफ किक कर रहे थे उस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करना है और ट्राई करना है। थोड़ा सा आपका जो हाथ है उसको ज़मीन में टच नहीं करने का ट्राई करना है। तो यहाँ पर स्टेप टू और स्टेप थ्री को कंबाइन करो, स्टेप फोर यहाँ पर आप लोगों को बनेगा। वन टू यहाँ पर लेना है और कुछ इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। वन टू, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे बनेगा टू ऐसे, ठीक है। आप लोगों को किक को सीधा करते जाना है, बॉडी को डाउन करते जाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को धीरे धीरे प्रोग्रेशन करना है चीट गेनर का। और गाइस जब आपका इतना आ जाता है उसके बाद आप लोग आते हैं स्टेप नंबर फाइव। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर चीट गेनर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को जे स्टेप लेने के बाद जितना हो सके आपका लेग्स को पावरफुली किक करिए और जितना हो सके ऊपर की तरफ सीधा किक करने की कोशिश करिए और बॉडी को साइड में टर्न करिए। धीरे धीरे आप इस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। याद रखना, आपका किक जितना पावरफुल और सीधा होगा उतना ही आपका ऊपर जाके लेग्स कुछ इस तरीके से खिल पाएंगे एंड बॉडी आप जितना टर्न करोगे डाउन करोगे उतना आपका चीट गेनर देखने के लिए परफेक्ट होगा, क्लीन होगा। सो गाइस जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया उस तरीके से आप लोग गाइस प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग का चीट गेनर डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। यस, अगर आप लोग का बैक फ्लिप भी नहीं आता है तो भी आप इस चीट गेनर को आराम से सीख सकते हो, और अगर आप लोग को बैक फ्लिप आता है तब तो आप लोग को ये चीज़ और ईजी पड़ेगा, क्योंकि आप लोग का बैक फ्लिप का डर नहीं है, बैक फ्लिप आप लोग मार ले तो डर नहीं है। तो आप लोग चीट गेनर भी अगर आप बैक से जाना होगा तो उस पर भी आप लोग को डर तो लगेगा ही नहीं, बैक फ्लिप आता होगा, चीट गेनर आप लोग एक दो दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग बैक फ्लिप नहीं आता तब भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आप लोगों का ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। और भाई आज का वीडियो इतना ही, थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है, चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। और आप लोगों के दोस्त भी ये सब वगैरह सीखता है तो सब लोगों को शेयर करो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर जाओ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।